तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिटिक्स एनिमे। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। लीफ विलेज में एक आदमी आ जाता है जो कि सब तबाह करते रहता है और सबको डराता रहता है। पीछे से बोरुटो उसके साथी भी देखते रहते हैं और ये फायर से सब तबाह करते हुए सबको डराता है। फिर ये बोरुटो और वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और फिर उसका ये करने का मकसद क्या है। तो ये बोरुटो की तरफ देखता है और बोरुटो की साइड में जो इवाबे होता है वो कहता है, ए बेवकूफ़ चल निकल यहाँ से, परेशान मत कर सबको। तो वो उन सब पे फायर टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि बोरुटो हवा में उड़ जाता है। और बोरुटो अपने जोगन से उसके आसपास भी वही देखता है जो उसने डेंकी और के पास देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बोरुटो बिना रुके उसके पीछे भागता रहता है और फिर बाद में वो आदमी बोरुटो के ऊपर फायर अटैक करता है, पर जो इवाबे होता है वो अपने मड वॉल से उसे रोक लेता है और ये आदमी डर जाता है और बोरुटो उसके मुँह पर बुक्का मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको बहुत घबराहट होती है और यहाँ से भागने लगता है। और फिर बोरुटो कहता है कि हम तीनों तेरा मदद चका देंगे, समझा। फिर ये अचानक से वहाँ पर धुआं करता है और पिछली गली से भाग जाता है। बोरुटो को भी दिख जाता है, बोरुटो उसके पीछे भागने लगता है, पर ये कहता है कि तुम मतलब मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगूंगा। और वो एक गली में चला जाता है, पर उस गली में वो अचानक से गिर जाता है और बोरुटो उसे देखता है तो वो नीचे गिरा हुआ होता है और उसके सामने होता है मिस जी जो कि लीफ विलेज में नया होता है। तो ये सब देखकर उसे हैरान होते हैं और वो फिर पीछे देखता है, मतलब वो कहता है कि अरे दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो देखता है कि उसके जो उसमें जो ब्लू कलर था वो चला गया और फिर इन सब के तरफ देखता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगले क्लास में जो शिनोसेंस होते हैं वो सब बच्चों को इसकी पहचान करा देते हैं और वो कहते हैं कि गाइस मतलब बच्चों, ये हमारे क्लास का नया स्टूडेंट है, इसका नाम मिस्टी है, ये हिडन साउंड विलेज से, समझे। फिर बाद में ये लोग बातें करते रहते हैं कि इसके बारे में कि ये कैसा होगा क्या होगा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे सब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और ये मॉनिटर की थी शांत बैठो, पर कुछ नहीं होता, सब बातें करते रहते हैं। फिर ये मिस्टी यहाँ पे बोरुटो के पास आके बैठता है और फिर कहता है, हे क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। तो बोरुटो कहता है, क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट हो जाती है और बोरुटो को एक सवाल नहीं आता, तो मिस जी आकर वो सॉल्व कर देता है और वो कहता है कि ये लो बोरुटो। फिर ट्रेनिंग का वक्त होता है और इवाबे बोरुटो को हरा देता है, पर बाद में इवाबे वर्सेस मिस जी होती है जिसमें मिस जी इवाबे का गला दबा देता है। और जब शिनोसेन से उसे कहते हैं कि छोड़ दो, पर वो फिर भी नहीं सुनता। फिर पीछे से बोरुटो आता है और कहता है, हे मिस जी इवाबे को छोड़ दो। फिर इवाबे कहता है कि क्या हुआ। फिर बाद में मिस जी कहता है कि मैं जीतने वाला था। यहाँ पे फिर शिनोसेन से अपनी जो लाल आंखों वाली जो टीचर होती है उनसे कहता है कि मैं बच्चों के लिए क्या करूँ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम तुम्हारे हिसाब से बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। फिर हम अगले 2 दिन देखते हैं कि सोचने के बाद यहाँ पे शिनोसेन से सारे बच्चों को पार्टी देते हैं और पार्टी में वो अलग ही ढंग में आते हैं। और बाद में एक लड़की एक स्टैचू को छूती है, उसमें से कीड़ा निकलता है। हमें पता है शिनोसेन से कीड़ों में माहिर है। और बाद में हम देखते हैं कि सारे बलून्स में से कीड़े निकलने लगते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तब उनके अंदर कुछ घुस जाता है और वो बोरुटो और उसकी टीम को यहाँ पे बुलाता है जंगल में। और फिर बाद में हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो शिनोसेन से भी वहाँ पे आ जाते हैं। बोरुटो कहता है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी पीछे सिकड़ाई उसके सिर पर मारता है और कहता है कि तू शांत बैठ जा, जल्दी से बोल तूने क्या गलती की है जिसके कारण शिनोसेन से हमें यहाँ पे लाए हैं, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी तूने। और फिर वो कहता है, माफ़ करना शिनोसेन से, चल बोरुटो जल्दी माफ़ी मांग। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिनोसेन से अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं और एक उन्हें काट भी लेता है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया और या तुम्हारी क्लास लेने नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें मारने आया हूँ यहाँ पे। तो फिर ये देखकर इनके दोनों की आंखें फटकी फटी रह जाती है और फिर ये कहते हैं, अब तुम तीनों मरोगे, समझे। और उसके बाद वो उन पर कीड़ों का अटैक करते हैं, पर वो हमें हवा में उड़ जाते हैं और मिस जी उस उन पर कुनाई फेंकता है, पर उस कुनाई का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो जो कीड़ों की जो वेब्स रहते हैं उनमें वो कुनाई फंस जाती है। और ये देखकर ये बहुत हैरान हो जाता है और मतलब उसको लगता है वो आके इतनी अच्छी टेक्निक है। फिर बोरुटो डरता है और बोरुटो को अपने जोगन से वापस से वो दिखता है जो उसको बाकी सब में दिखा था। और फिर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूँगा,
उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे कीड़े होते हैं वो पूरे जंगल में फैलने लगते हैं, और वो कीड़े कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। उसके बाद ये तीनों बीच में फंस जाते हैं और इनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। फिर ब्रूटो कहता है कि कैसे वैसे करके हमें इन्हें रोकना होगा, ये तो हमारी जान के पीछे ही पड़ गए। फिर यहाँ पे इस साड़ों पर संजुत्सु करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो कीड़े ऊपर उठ जाते हैं और ब्रूटो का पैर पकड़ लेते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण ब्रूटो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है। और फिर ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं पेड़ पर, इसलिए उनको कुछ नहीं होता। ब्रूटो के ऊपर वो कीड़े चढ़ते रहते हैं पर ब्रूटो उन्हें निकालता रहता है। फिर ये अपना विंड स्टाइल जुत्सु करता है, जिसके कारण ये हवा फूंक के ब्रूटो के ऊपर के सारे कीड़े भगा देता है और ब्रूटो को अपने मतलब बचा लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो शिनो सन से कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते, अब तुम गए। फिर हम देखते हैं कि वो उन पर वापस से हमला करता है, पर ये मिस्ट्री अपने हाथों से ब्रूटो को ऊपर ला लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर यहाँ पे सिर्फ शिनो सन से बचे हुए होते हैं, उनको ढूंढे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ब्रूटो कहता है इसमें कुछ अजीब सी पावर है, हमें कुछ ना कुछ करके इसे रोकना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बैठ के टाइम पास करते रहते हैं और अपनी अपनी बातें चालू रखते हैं, पर ऐसे करते करते ही पीछे से वो कीड़े आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए। और ये सिकाड़ा देखकर डर जाता है और भागने लगता है और कहता है ब्रूटो भाग यहाँ से अगर बचना है तो। और फिर ऐसे भाग जाते हैं, पर ये उनका पीछा छोड़ता ही नहीं है। और फिर ये कहीं पर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या आफत है, अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर ब्रूटो उसके सामने आता है पर वो उसका शैडो क्लोन होता है जो कि फट जाता है। पर ब्रूटो ऊपर से शिनोसेंसे के ऊपर हमला करता है और उन पर एक कुनाई मारता है जिसपे पेपर बॉम्ब लगा होता है, जिससे कि बॉम्ब फटता है। पर जो शिनोसेंसे होते हैं वो अपने कीड़ों की मदद के कारण बच जाते हैं, पर शिकाड़ा यहाँ पे उस पर शैडो प्रदर्शनजुत्सु करता है पर ये पानी पे उड़ जाते हैं और ये सोचते हैं ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने कीड़ों से उनको दोनों को बांध के रखते हैं और फिर कहते हैं तुम नहीं बचोगे। फिर पीछे से मिर्ची होता है जो उसे अचानक पानी में खींच लेता है और पानी में खींचने के बाद वो पानी के अंदर चले जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में वो कीड़े निकलता है और शिनोसेन से कहते हैं कि मेरे कीड़े बहुत ताकतवर है, तुम्हें क्या लगा वो पानी में नहीं आएंगे, अब तुम गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मिर्ची यहाँ पे बहुत ज़ोर से अटैक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों देखते रहते कि अंदर क्या हो रहा है, और हम देखते हैं वो कुछ तो भी निकल जाता है उनसे बॉडी से। और यहाँ पे शिनोसेन से बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं पर यहाँ पे मिस्टी फंस जाता है और शिनोसेन से निकलते हैं और मिस्टी को बचाने के लिए ब्रूटो बाहर आ जाता है, पर वो बाहर नहीं आ पाता। और शिनोसेन से उठकर बहुत तेज़ी से अंदर पानी में कूद जाते हैं और समनिंग जुत्सु करते हैं वो भी हमारे ब्रूटो के हाथ पर, और वो कहते हैं समनिंग जुत्सु। और अचानक से कीड़ा उड़कर आता है बाहर और वो दोनों को बचा लेते हैं और कहते हैं हम ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शिनोसेन से कहते हैं क्या हो रहा था और वो तीनों गिर जाते हैं। और शिनोसेन से कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैंने जान पूछ के नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा था, शायद कोई अलग सी ताकत मेरे अंदर आके मुझे कंट्रोल कर रही थी, पर कोई बात नहीं, मेरी गलती के कारण ही ये हुआ है, मैं शायद इस सेकंड में नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। पर ब्रूटो कहता है तुम नहीं जा सकते, पर बाद में वो भी शांत हो जाता है। और फिर या पे शिनोसेन से कहते हैं मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर रोने लगते हैं। और फिर नारुतो के ब्रूटो कहता है कि अब मत रो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शिनोसेन से के बारे में ये लाल आँखों वाली सेन से सोचती रहती है। और फिर बाद में शिनोसेन से नारुतो के ऑफिस जाते हैं और कहते रहते कि मुझे माफ़ करना है, मेरी गलती है। पर नारुतो कहता है कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे पता चला है कि लीफ विलेज में एक अजीब सी पावर आई है, हमें उसको रोकना होगा और इसे कंट्रोल करने में और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में तुम हमें साथ दोगे शिनो। तो शिनोसेन से कहते हैं कि ठीक है। तो गाइस आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है और आज का एक्सप्लेनेशन भी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो अगर आपने नहीं किया। तो बाद में मिलते हैं।